अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग विद उम्मे हबीबा। आज मैं आपको विंटर ड्रेस की शर्ट के ऊपर राउंड नेक बनाना सिखाऊंगी, जिसको हम डोरी के साथ डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने ये डबल फोल्डिंग में बुकरम लिया है। तो फ्रेंड्स, हमने अपने नेक लाइन के अकॉर्डिंग एक एक इंच एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग की है। जिस तरह के आप देख सकते हैं, मैंने 4.5 इंच पर बुकरम चौड़ा लिया है, जबकि 3 इंच का मुझे नेक लाइन चाहिए। तो इस तरह से मैंने 3 इंच पर निशान लगाया। इसकी लंबाई में मुझे जो गला चाहिए उससे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है, तो मैं 6.5 इंच पर इसकी मार्किंग करूँगी। इस तरह से इसकी साइजिंग करते हुए मैंने स्केल की मदद से एक बॉक्स बना लिया है। तो फ्रेंड्स, बॉक्स बनाने का ये फ़ायदा होता है कि हम अपनी चॉइस के मुताबिक इसके अंदर नेक लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो मैंने गोल नेक लाइन ड्रा किया है। इसकी आउटसाइड को 1 इंच की मार्किंग करते हुए मैं ड्रा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जब ड्रा करके कटिंग की जाती है तो नेक लाइन प्रॉपर तरीके से कट हो जाता है। इसके ऊपर से मैं इसको बराबर करते हुए अपने नेक लाइन की कटिंग कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पर अटैच करने से पहले जो मैंने इनर पार्ट कट किया था, सबसे पहले उसको रफली ज्वाइन कर लूँगी। उसके बाद जो इसका आउटर पार्ट है उसको मैं अच्छे तरीके से ज्वाइंट करते हुए इनर पार्ट को रिमूव कर दूँगी। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि नेक लाइन की जो हमने बेसिकली पेमाइश ली है वो अपनी जगह बिल्कुल सही रहती है। नेक लाइन बिल्कुल भी फैलता नहीं और इसको अटैच करने में भी मुश्किल पेश नहीं आती। इस तरह एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करते हुए मैंने आयरन की मदद से इसको शेप दे ली है। अपनी शर्ट को भी मैं सेंटर की शेप आयरन की मदद से दे लेती हूँ। इस तरह से शर्ट के सेंटर को जो हमने नेकलाइन कट किया है उसके सेंटर से मिलाते हुए ज्वाइंट करेंगे। तो अब हम इसकी डोरी तैयार करने के लिए फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। मैंने कुछ पीसेस कट किए हैं, आपकी आसानी के लिए मैं दोबारा दिखाती हूँ। 1 इंच पर मैंने मार्किंग की है और स्केल की मदद से लाइन लगाते हुए ये मैंने उरेबदार फैब्रिक कट किया है। तो फ्रेंड्स, सीधे फैब्रिक की जो पट्टी डोरी निकाली जाती है तो वो फिर सीधी करना बहुत मुश्किल होती है। तो हमेशा कपड़े को ट्रायंगल बनाते हुए कट कीजिए। डोरी को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले पूरे फुट की मैंने सिलाई लगाई है। थोड़ी सी सिलाई लगने के बाद मैंने हाफ फुट पर फैब्रिक को ले लिया है। आप देख सकते हैं जो फैब्रिक का किनारा है वो मेरी मशीन के फुट के हाफ पर जा रहा है। इस तरह से प्रॉपर सिलाई लगाते हुए मैंने डोरी की सिलाई मुकम्मल कर ली है। आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग से मैंने चौड़ी सिलाई ली है और आगे से मैंने हाफ फुट पर सिलाई ली है। तो फ्रेंड्स, इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हल्का हल्का कट कर लिया है। अब किसी सुई में मोटा धागा डाल लीजिए और जो कपड़े की चौड़ी साइड है जहाँ से हमने चौड़ी सिलाई ली थी वहाँ पर इस तरह से नॉट लगा लीजिए। सुई को उल्टा करते हुए मैंने इस स्ट्रिप के अंदर ऐड किया है। तो इस तरह से अपनी उंगली पर एक्स्ट्रा धागे को लपेटते हुए मैं आहिस्ता आहिस्ता दूसरी 2 उंगलियों की मदद से फैब्रिक को ऊपर की तरफ खींचूंगी। आप देख सकते हैं, एक एक चुनट को ऊपर लाते हुए मैंने इस डोरी को आहिस्ता आहिस्ता से सीधा कर लिया है। इस तरह से मैंने ये डोरियां तैयार कर ली हैं। इसकी कुछ इस तरह से शेप होगी। तो इसको मैं 3 इंच की लंबाई पर तमाम डोरियों को कट कर लूँगी जो कि मुझे अपने नेक लाइन में डिज़ाइन के लिए चाहिए। तो इस तरह से मैंने तमाम पीसेस कट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक लाइन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले नेक लाइन को बाहर से सिलाई लगा ली है। इस तरह से अब इसकी इनर साइड पर बुकरम के बिल्कुल किनारे पर मैं एक सिलाई इसलिए लगा रही हूँ कि हमने डोरियाँ अटैच करते हुए इस सिलाई के अकॉर्डिंग अटैच करनी है। आपकी आसानी के लिए मैंने चौक से निशान लगा दिया है। ये वो निशान है जहाँ पर मैंने बुकरम के किनारे पर सिलाई ली है। अब यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 इंच से कुछ 1 पॉइंट कम पर निशान लगाया है। इस तरह से मैं तमाम नेक लाइन में निशान लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, इस निशान के मुताबिक हमने डोरियाँ अटैच करनी हैं। अब ये आपकी अपनी चॉइस है, आप डोरी को कितना बाहर निकालना चाहते हैं। तो मैंने जो नेक लाइन का 1 इंच का बुकरम कट किया है उससे थोड़ा सा पीछे हटाते हुए कुछ इस तरह से डोरी अटैच करूँगी।
आप देख सकते हैं जो मैंने निशानात लगाए हैं, एक डोरी के दोनों सिरे उन निशानात पर आएंगे और दूसरी डोरी को पहली के सेंटर में से हम स्टार्ट लेंगे। इस तरह से अपने बुकरम के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई का निशान जहन में रख लीजिए। अपने बुकरम से कुछ ही पीछे हटाते हुए मैं डोरी अटैच कर रही हूँ। अब यहाँ पर एक बात काबिले गौर है कि नेक्स्ट डोरी को फर्स्ट स्टेप में मैं इनर पार्ट से नहीं लूँगी। दूसरी जो एक डोरी हमने अटैच की थी उसके बिल्कुल सेंटर से रखते हुए अगली डोरी को स्टार्ट कर लूँगी। इस तरह से अगले निशान पर इस डोरी को मैं राउंड कर दूंगी और जो इससे नेक्स्ट डोरी लगेगी उसको इसी के सेंटर से मैं स्टार्ट ले लूंगी। अब इसके सेंटर से ये अगली डोरी को हम स्टार्ट कर देंगे तो ये तमाम डोरियां इसी तरीके से ही लगेंगी। अब इस डोरी को इसी तरह से हम अगले निशान पर राउंड शेप दे देंगे और नेक्स्ट डोरी को इसके सेंटर में रखते हुए इस तरह से स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह से तमाम डोरियों को हमने नेकलाइन में अटैच करना है। अगली डोरी को राउंड शेप देते हुए नेक्स्ट डोरी को पिछली के सेंटर से स्टार्ट लेना है। तो इस तरह से तमाम डोरियां इसके ऊपर मैं अटैच कर ली हैं। आप देख सकते हैं ये सिलाई मैंने जो वाइट मार्किंग की थी उसके ऊपर ऊपर ली है। एक्स्ट्रा डोरियों को मैं कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये डोरियां हम गुम सिलाई के ज़रिए गले में अटैच करेंगे। नेकलाइन का सेंटर बना लिया है, बुकरम का भी सेंटर बना लिया है। इस तरह से शर्ट की सीधी साइड पर नेकलाइन को रखते हुए नेकलाइन की उल्टी साइड ऊपर करनी है। सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए सबसे पहले सेंटर में एक सिलाई लगा लीजिए। अब लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेते हुए इसको राउंड शेप में सिलाई लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स जो मैंने डोरियों के लिए ऑलरेडी सिलाई लगाई है बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर ऊपर हमने सिलाई लेनी है। इस तरह से अगली सिलाई के ऊपर ऊपर इस सिलाई को लेते हुए मैं नेकलाइन में इसी तरह से राउंड शेप में सिलाई मुकम्मल कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं डोरियां बहुत खूबसूरती से अटैच हो गई हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जब हम नेकलाइन बनाते हैं तो इसके जॉइंट नज़र नहीं आते, सब जॉइंट्स अंदर हाइड हो जाते हैं। पूरे नेकलाइन में हल्के हल्के कट्स लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसको उल्टा करते हुए बहुत ही खूबसूरत डोरियों का डिज़ाइन बन गया है। अब इसको मज़ीद नीटनेस देने के लिए मैं आयरन की मदद लूँगी। तो इस तरह से आयरन से इन डोरियों को शेप देते हुए कपड़े को सीधा कर लीजिए। तो इस तरह से ये बहुत ही नीट एंड क्लीन नेकलाइन बनता है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसके बिल्कुल किनारे पर एक सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से इनविजिबल तरीके से मैंने ये डोरियां नेकलाइन में अटैच कर दी हैं। आप देख सकते हैं इनका जॉइंट भी नज़र नहीं आ रहा। अब इसके ऊपर सेकंड सिलाई मैं नहीं लगाऊंगी, आपकी अपनी चॉइस है, आप सिलाई भी लगा सकते हैं लेकिन मैं इसके ऊपर हेमिंग करूंगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये बहुत खूबसूरती से नेकलाइन बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत अच्छे डिज़ाइन के साथ। रब्बे करीम से दुआ है कि आप सबका दामन हमेशा खुशियों से भरा रहे। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।